दोस्तों आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंसान और जानवर लंबे समय से पृथ्वी पर मौजूद हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंसान जानवरों से ज्यादा समझदार है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि जानवर समझदार नहीं होते, क्योंकि आज इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देख कर आप भी ये समझ जाएंगे कि जानवरों में भी दिमाग होता है और वो भी सोच समझकर सही फैसला ले सकते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त दक्ष और आपको बताने वाला हूं दुनिया के कुछ सबसे समझदार जानवरों के बारे में। मंकी। दोस्तों बंदरों को इंसान की बनावट कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि बंदर किसी भी चीज को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और पूरी दुनिया में यही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके हाथ किसी इंसान की तरह काम करते हैं, जिस वजह से इसका दूसरे प्राणियों से समझदार होना निश्चित है। और इसी बात को प्रूव करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक फल को पत्थर के बड़े टुकड़े के नीचे रख दिया और उसे निकालने के लिए बंदर मेहनत करने लगा। और जब उसे पता चला कि वो इसे नहीं हटा सकता, तो उसने वहीं खड़े आदमी से उसे हटाने के लिए मदद मांगी। और ये प्रूफ था कि बंदर कई चीजें समझ सकते हैं। जैसे ये एक और एक्सपेरिमेंट जिसमें एक बंदर ने दूसरे बंदर को पत्थर दिया ताकि वो डिब्बे में बंद फलों को निकाल सके, और उसकी मदद करने के लिए बंदर ने इसमें से आधे फल दूसरे बंदर को दे दिए। और इसी तरह कई बंदर साइन लैंग्वेज भी समझ सकते हैं, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि बंदर काफी समझदार होते हैं। राबिन। दोस्तों कौवे को दुनिया का सबसे समझदार पक्षी माना जाता है और इस बात के कई प्रमाण भी हैं। जैसे बायोलॉजिस्ट ने एक पारदर्शी बक्से में मूंगफली रख दी और उसके पास कुछ लकड़ियां भी, जिससे कौवा इन्हें निकाल सके। कई बार मेहनत करने के बाद कौवे ने मूंगफली को उठा लिया, लेकिन उसे बाहर लाने का कोई तरीका उसके पास नहीं था। इसी वजह से कौवे ने अपनी चोंच से एक हुक बनाया और उसे मूंगफली निकालने के लिए इस्तेमाल किया और एक बार में दो मूंगफलियों को बाहर निकाल लिया। दोस्तों ठीक इसी तरह आपने प्यासे कौवे की कहानी सुनी होगी, जिसमें कौवा अपनी प्यास बुझाने के लिए मटके में पत्थर डालता है और जब पानी ऊपर आ जाता है तो वो अपनी प्यास बुझा लेता है। ठीक उसी तरह बायोलॉजिस्ट ने इस चीज को आजमाने के लिए पानी से भरे कांच के तीन ट्यूब लगाए, जिसमें लाल वाले ट्यूब में पत्थर डालने से बीच वाले ट्यूब में रखा खाना ऊपर आ जाता था और नीले वाले ट्यूब में पत्थर डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये समझते ही कौवे ने लाल ट्यूब में पत्थर डालना शुरू किया और खाना खा लिया। और ये एक्सपेरिमेंट इस बात का प्रमाण था कि कौवे दूसरे पक्षियों से ज्यादा समझदार होते हैं। दोस्तों तोता, जिसे दुनिया के सबसे समझदार पक्षी में से एक समझा जाता है, और इस बात को सत्य साबित करने के लिए एक जाल बिछाया गया जिसमें अखरोट को पारदर्शी जार के बीच में रख दिया गया, जिस वजह से तोता उस तक नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि वो गिलास के अंदर था। कुछ देर बाद उसे समझ आया कि वो बॉल को कुछ इस तरह से लुढ़काकर इसे अपना बना सकता था, और उसने बॉल उठाई, बॉक्स में डाली और अखरोट उससे टकरा कर बाहर आ गया, जिसके बाद बायोलॉजिस्ट ने इसे और कठिन बनाने के लिए कुछ ब्लॉक्स निकाल दिए, लेकिन फिर भी तोता इसे समझ गया और अखरोट को ठीक उसी तरह बाहर निकाल लिया। हनी बैडर्स। दोस्तों इस जानवर को हनी बैडर्स के नाम से जाना जाता है। ये आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पंगा लेने में किसी भी खतरनाक जानवर से नहीं डरते। ये इतने बहादुर होते हैं कि शेर भी इनसे दूर ही रहते हैं, और इस जानवर को पिंजरे में बंद करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये बार बार भाग जाते हैं। इसी वजह से पार्क के एम्प्लॉयज ने पिंजरे को तार से बांध दिया ताकि वो बाहर ना जा सके, लेकिन ये इतने समझदार थे कि इन्होंने गेट को बड़ी ही आसानी से खोल लिया और भाग गए, जिसके बाद एम्प्लॉयज ने गेट को और सुरक्षित कर दिया। लेकिन फिर ये गड्ढा खोद कर भाग गए, जिसके बाद इन्हें एक स्पेशल जगह पर रखा गया जहां भागने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन फिर इन्होंने एक नया रास्ता खोज लिया। इन्होंने पेड़ की एक शाखा को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और फिर भाग गए। इसके बाद भी उन्होंने कई तरीके अपनाए और कैसे न कैसे करके भागते रहे। इन्होंने पत्थरों का भी इस्तेमाल किया और फिर कीचड़ की दीवार बनाकर भी भागने की कोशिश की, और हर बार ये अलग अलग तरीके से भाग जाते थे। और इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि ये जानवर दिमाग से बहुत तेज होते हैं और किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अपनी जान बचा सकते हैं।
दोस्तों ये थे कुछ सबसे समझदार जानवर। क्या आपके भी पास कोई ऐसा जानवर है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।